फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार 50,000 रुपए देने की सहमति से परीक्षा देने बैठा था युवक। मामला सिंगरौली मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के निर्देश पर थाना प्रभारी उमेश प्रताप सिंह को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। वर्ष 2016 में एनसीएल की ओर से आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेनी की परीक्षा का फॉर्म भर गया था, जिसकी लिखित परीक्षा कल 9 फरवरी 2020 को एक निजी स्कूल में आयोजित की गई थी, जिसके कक्ष क्रमांक 19 के परीक्षार्थी रविश निवासी बहादुरपुर मुंगेर के स्थान पर मिथिलेश निवासी दशरथपुर बिहार के द्वारा परीक्षा कक्ष में बैठा कर परीक्षा दी जा रही थी। जिसको संदेह के आधार पर परीक्षा दे रहे युवक से पूछताछ की गई तो रविश के स्थान पर परीक्षा देना कबूल किया, जिस पर नवानगर पुलिस ने गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कार्यवाही की है। आरोपी मिथिलेश द्वारा बताया गया कि रविश के स्थान पर उसके द्वारा दी जा रही परीक्षा में 50,000 देने की सहमति हुई थी। कल एनसीएल में टेक्नीशियन ग्रेड का जो है एग्जाम हो रहा है, उस एग्जाम में ये सूचना मिली पुलिस को कि एक परीक्षार्थी के स्थान पे दूसरा कोई लड़का एग्जाम दे रहा है और प्रवेश पत्र में जो फोटो है उसको इस तरह से मिक्सिंग किया है कि हूबहू उसी की तरह लग रहा है। इसमें जब पड़ताल की गई तो पाया गया कि वो सच में दूसरा लड़का है जो एग्जाम दे रहा है, तो इसमें अपराध कायम कर लिया गया है और एग्जाम देने वाला जो वास्तविक कैंडिडेट था और जो उसके बदले में दे रहा था डमी कैंडिडेट, दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिंगरौली से अनिल दुबे की रिपोर्ट।